नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं ऐसी खबर के साथ जो राष्ट्रधर्म पत्रिका में एक लेख छपा है और ये लेख लिखा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने, जो 16 जनवरी को पब्लिश होगा। आडवाणी ने लिखा कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। पत्रिका के विशेष संस्करण की कॉपी उन सभी लोगों को दी जाएगी जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। लेख में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया। लिखा कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी। इस यात्रा ने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। इस लेख में लालकृष्ण आडवाणी लिखते हैं कि अटल जी की कमी खल रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। INDI गठबंधन की वर्चुअल बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस के संयोजक के पक्ष में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता INDI अलायंस का संयोजक बने और ऐसे में जब उन्हें इस पद का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, INDI की जो वर्चुअल बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। अगली खबर रायपुर से, जहां आरोपियों का जुलूस निकाला गया। चाकूबाज आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों का जुलूस निकाला। रायपुर में चाकूबाज ये आरोपी हैं जो चाकू चलाकर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनको पकड़कर इनका जुलूस निकाला गया है। इसमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। तनु वर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, जरा बताएं इन आरोपियों की हिस्ट्री के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, ये पूरा मामला जो है तरुण नगर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है और जिसमें राजधानी रायपुर में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया था और आरोपियों के द्वारा पहले परिवार के ऊपर जो है गाली गलौज की गई और उसके बाद जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने घर पर मौजूद एक व्यक्ति के जांघ में जो है चाकू से हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और इस वारदात के बाद जो है आरोपी जो है वो फरार हो गए थे और एक पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया है। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार राजधानी में इस तरह के मामले जो है वो सामने आते रहते हैं और पुलिस भी पूरी तरह से जो है एक्शन मोड पे नजर आती है और लगातार अपराध में अंकुश लगाने के लिए पुलिस भी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में तीनों आरोपियों को जो है आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इनका जो है जुलूस निकाला गया। जी धन्यवाद आपका।